सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निक ज्ञान को और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बने रहिए हमारे साथ कुछ नया सीखने के लिए। दोस्तों, रोजाना कोई ना कोई मोबाइल जरूर लॉन्च होता है, तो आज मैं एक मोबाइल की बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही अच्छे बजट के साथ और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ मार्केट में आया है। तो मैं बात कर रहा हूं नोबिया M2 Lite और N2 स्मार्टफोन जो कि कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुए हैं 16 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा नोबिया M2 की, जो मार्शमैलो 6.0 वर्जन के साथ मार्केट में आया है। काफ़ी ही अच्छा मोबाइल ये देखने में भी है, जो कंपनी के ओस नोबिया 4.0 पर चलता है। जो MI फ़ोन है या फिर जो और भी आईफोन है, ऐसे ही कुछ वर्जन अपने स्टैंडर्ड के निकालते हैं, वैसे इसने भी अपना एक नोबिया UI 4.0 वर्जन लॉन्च किया है और ये मार्शमैलो 6.0 के साथ काम करेगा। तो यहाँ पे आपको 5.5 की फुल HD डिस्प्ले मिलती है 1080x1920 पिक्सल के साथ। वो काफ़ी अच्छी जो स्क्रीन इसकी है यहाँ पे, और इसमें क्वालिकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिलता है, जिसके साथ 4GB की रैम भी दी गई है। कनेक्टिविटी की बात करें, इसमें 4G LTE वाईफाई ब्लूटूथ जो भी नॉर्मल है, GPS कनेक्टिविटी सब बेसिक जो है सब इसमें है। 13 मेगापिक्सल का इसमें रियर कैमरा है, जिसका एक लेंस कलर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है तो दूसरा मोनोक्रोम को कैप्चर करता है। दोनों ही लेंस को f2.2 अपर्चर के साथ बनाया गया है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। और नोबिया M2 64GB और 128GB के साथ उपलब्ध है। इसमें इंटरनल स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी एक खूबी इसकी हम कह सकते हैं। और 200GB तक इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है मेमोरी कार्ड लगाकर। होम बटन के साथ इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें दिया गया है और 3630 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है। लगभग इसकी कीमत 27,000 रुपये आपकी जा रही है, तो इतनी कीमत में ये मोबाइल ठीक है, लेकिन इसकी कीमत कुछ कम होनी चाहिए थी जो नहीं है। अब मैं बात करूँगा नोबिया M2 लाइट की। इसमें स्क्रीन रिजोल्यूशन जो है 720x1280 पिक्सल है और इसमें मीडियाटेक हेलियो P10 का जो प्रोसेसर है वो दिया गया, फिर से ले गया है मीडियाटेक के प्रोसेसर को और नाम रख दिया इसका हेलियो P10। है तो मीडियाटेक ही, पता नहीं कहाँ से सोचते हैं लोग, कुछ अच्छा करने की नहीं सोचते। यहाँ पे क्वालिकॉम स्नैपड्रैगन भी इसमें दे देते तो काफ़ी अच्छा ये पीस निकल के आता, लेकिन नहीं दिया गया। और 3GB रैम और 32GB मेमोरी के साथ ये मार्केट में उपलब्ध है, और 4GB रैम और 64GB रैम के साथ भी इसका एक वर्जन है जो उपलब्ध है। एंड्रॉयड 7.0 नोट OS के साथ ये चलता है। 13 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा इसमें दिया गया है। लगभग 18,000 रुपये इसकी कीमत आकी जा रही है। अब बात करते हैं नोबिया N2 की। नोबिया N2 6.0 मार्शमैलो वर्जन के ऊपर काम करता है। रिजोल्यूशन 1080x1920 पिक्सल है। डिवाइस में मीडियाटेक ऑक्टाकोर CPU इसमें भी मीडियाटेक लगा दिया है यहाँ पे। 4GB रैम है, 13 मेगापिक्सल का इसमें रियर कैमरा है और f2.2 अपर्चर के साथ ये भी मार्केट में उपलब्ध है। और 16 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा यहाँ पे दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैटरी का जो 5000 mAh की बैटरी दी है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया है। फास्ट चार्जिंग के साथ है इसके अंदर, जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें डाली गई, और इसकी कीमत भी बहुत अच्छी लगाई गई यहाँ पे 19,000 रुपये ओनली, 19,019,000। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर हमें भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।